वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सीएम नौटियाल, बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है आपका नौटियाल जी। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि साउथ पोल पर जो चीजें हैं वो किस तरीके से आगे जो है उनका रिजल्ट किस तरह से भारत के लिए कारामद कारगर साबित हो सकता है, तो हम चाहेंगे जरा आप और प्रकाश डालें उन तमाम चीजों पर कि जो साउथ पोल ही उतरने के लिए भारत ने चुना, ये चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पहली बात तो यह है कि वहां पर पानी काफी है, तो पानी हमारे जीवन की आरंभिक जरूरतों में से है, एक तो ये बात। और पानी से हम ऑक्सीजन भी पा सकते हैं जो दूसरी जरूरत है इंसानों की। और अगर वहां पर किसी तरह हमको इंडस्ट्री या किसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड कर दें तो इनके सहायता से हम पेड़ पौधे भी वहां पर उगाने का प्रयास कर सकते हैं, और अगर पेड़ पौधे उगेंगे तो उनसे हमें ऑक्सीजन फिर मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इन दोनों साइट्स जो पृथ्वी की तरफ है और जो पृथ्वी के दूसरी तरफ है यानी जिसे हम देख नहीं सकते, इन दोनों में क्रेटरिंग में भी अंतर है, दोनों जगह क्रेटर्स अलग अलग हैं। और इसका कारण ये माना जाता है कि जो पृथ्वी थी वो आरंभ में गर्म थी और चंद्रमा का जो फेस पृथ्वी की तरफ था उसका टेम्परेचर दूसरी तरफ से ज्यादा रहा होगा, और इसीलिए इन दोनों साइट्स में जो सरफेस है उसके फीचर्स में अंतर है। तो जो चंद्रमा के ओरिजिन की थ्योरीज हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दो चंद्रमा थे, कुछ लोग कहते हैं एक चंद्रमा बना था, क्योंकि आप देखिए पृथ्वी शायद अकेला ऐसा ग्रह है जिसका केवल एक सैटेलाइट है। इवन मंगल ग्रह के फोबोस और डाइमोस दो सैटेलाइट्स हैं, और बाकी जो है उनके तो 150 की संख्या में सैटेलाइट्स हैं, चाहे सैटर्न हो चाहे जुपिटर हो जी। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि क्या पृथ्वी का केवल एक सैटेलाइट था या दो सैटेलाइट्स थे। तो ये हम जब तक दोनों तरफ को चंद्रमा की एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक ये बात हमें पता नहीं चलेगी। तो विज्ञान के अभी और कुछ नए क्षेत्रों में भारत जो है कुछ नया दिखाने वाला है। विश्व गुरु, हम हमेशा कहते हैं कि विश्व गुरु है भारत, तो यहाँ भी आपको लगता है कि अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत एक विश्व गुरु की जो भूमिका है वो अब अदा करेगा? निश्चित रूप से भारत ने अपने को विश्व की चार सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष की शक्तियों में स्थापित किया है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद अब भारत है। और सबसे बड़ी बात एक और जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारत ये स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष में भेजता है, मून पर भेजता है, इनको विकसित देश जैसे अमेरिका है उसकी तुलना में 1/8 कीमत पर भेजता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण यदि कोई दूसरी देश हमारी क्षमताओं का उपयोग करना चाहता है तो उनके लिए आर्थिक दृष्टि से ये कहीं ज्यादा आकर्षक है कि हम हमारे भारत की सहायता लेकर वो अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स को भेजे या इस तरह के दूसरे मिशन्स में पार्टनर बने। भारत तो की आर्थिक मजबूती के लिहाज से कितना ये मिशन जो है वो कारगर रहने वाला है? मैं समझता हूँ इसका कई तरह से फर्क पड़ेगा। जहां तक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की बात है तो हमने बहुत मतलब इसरो ने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारी लोकल जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनको आउटसोर्स किए थे। इनमें कई बहुत सारी कंपनीज हैं जो भारतीय कंपनी है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, बहुत कुशलता से और कम कीमत में उनको करके दिखाया है। तो इसके दो फायदे हुए हैं, एक तो इन इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस बढ़ा, इन इंडस्ट्री का सम्मान बढ़ा और इन इंडस्ट्रीज की इनकम हुई और स्पेस इंडस्ट्री एक तरह से वायबल हुई। और ये सारे इंडस्ट्रीज का आगे भी अभी उत्साह बना रहेगा कि वे इस तरह के काम में आगे लगे रहें और भारत की जैसे जैसे अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी इन इंडस्ट्रीज का भी विकास होगा और इन सब के कारण से हमारे देश में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो एक नया आयाम जैसे एक खुल गया हो इस क्षेत्र में और बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, इन कंपनीज की इनकम होगी और हमारा जो अंतरिक्ष का मिशन है वो आगे बढ़ेगा। दूसरी दृष्टि है कि हम में बहुत सारे इनमें से ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है दूसरे देश हमें आउटसोर्स करें निर्माण करने के लिए, तो ये भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। और निश्चित रूप से जो चार इस समय बड़े गुरु हमारे विश्व में माने जाएंगे अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, भारत उनमें से बिल्कुल भारत उनमें से अब एक देश बन गया है अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। जो तीन विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, अब भारत में जो एक विकासशील देश कहा जाता है वो भी कहीं ना कहीं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये विकसित भारत का जय घोष है, ये मिशन की सफलता ये दिखाती है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अब जिस तरह से सफल लैंडिंग तो हो चुकी है, 2 हफ्ते का समय यहाँ पर रहेगा वो तमाम इंफॉर्मेशन भेजने के लिए रोवर के पास में जो रिक्वायर्ड है, जिन
जिस उद्देश्य से इस मिशन को जो है शुरू किया गया था, तो अब जो है ये किस तरीके से वहां पर काम करने वाला है, साउथ पोल से कौन कौन सी जानकारियां किस किस तरह से यहां तक पहुंचाई जाएंगी? देखिए, जो रोवर वहां पर भेजा गया है उसके दो मुख्य कार्य हैं। वो वहां पर एनालिसिस करेगा, इसको अल्फा रे स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, उस उपकरण का उपयोग किया, उस प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वो वहां की मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं इनके बारे में हमें जानकारी देगा। इसी तरह से वहां पर एक लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन मॉलिक्यूल्स का करके, वहां के पदार्थ का करके, उसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित है ये उनकी जानकारी देगा। ये काम तो करेगा रोवर। ये रोवर बहुत दूर तक नहीं जाएगा, रोवर करीब आधा किलोमीटर की दूरी तक ही जा पाएगा, लेकिन उसमें ये एनालिसिस करेगा वहां पर उपस्थित पदार्थों का, उसमें तत्व कौन से हैं ये बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा लैंडर है उसमें भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें से कुछ तो खनिजों का ही पता लगाएंगे, तत्वों का पता लगाएंगे। इसके अलावा वहां पर क्या चंद्रकंप या ल्यूनर सीस्मिक एक्टिविटी होती है, जैसे हम पृथ्वी पर भूकंप कहते हैं, ये वहां पर होती है और कितनी होती है इसके बारे में उसकी सीज़मोमेट्री जो है ये एक उपकरण वहां पर है वो करेगा। और इसके साथ साथ में वहां पर जैसे मैंने कहा कि तत्व और मिनरल के बारे में पता लगाया जाना, और एक इस मिशन के साथ में एक और चीज जुड़ी है, हैबिटेबल अर्थ के बारे में भी ये जानकारी वहां से ये पृथ्वी का भी अध्ययन करेगा और उसके बारे में हमें बताएगा। इसके अलावा इसमें एक लैंगमूर प्रोब भी है, और उसका काम है कि जो थोड़े बहुत वहां पर वातावरण में अणु परमाणु हैं उनसे जो आयन बनते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इन सब से मिलकर जो प्लाज्मा जिसे हम कहते हैं, उस प्लाज्मा की डेंसिटी कितनी है, वो प्लाज्मा कितना है, कैसा है, इसके बारे में भी ये जानकारी वहां पर एकत्र करेगा और वो हमें भेजेगा। जो रोवर है वो सीधे जो संपर्क करेगा वो लैंडर के साथ करेगा, और लैंडर जो हमारे साथ संपर्क करेगा वो या तो करेगा जो हमारा इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है उसके माध्यम से, और अगर बाय चांस वो काम नहीं करता तो ये हमारा जो पहले से घूम रहा ऑर्बिटर है ये उसके माध्यम से संवाद करेगा। सूचनाओं का आदान प्रदान सर ये जानना चाहेंगे कि रोवर और लैंडर के बीच में रहेगा, या फिर रोवर के माध्यम से जो है साइंटिस्ट तक वो सारी चीजें पहुंचने वाली हैं, या फिर जो लैंडर है या रोवर है, इनमें से किसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? देखिए, लैंडर ने तो अपना एक बहुत महत्वपूर्ण काम ऑलरेडी कर दिया है जी। उसने अपने पेट में रखकर, बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोई माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, और वहां पर इसने जाकर उसको चंद्रमा के धरातल पर उतार दिया जी। इससे पहले जो हमारा लैंडर है उसके साइड में लगे हुए जो कैमरे थे, उन कैमरों ने लगातार नजर रखी ग्राउंड पर, और उन्होंने पता लगाया कि वहां पर कोई क्रेटर तो नहीं है, वहां पर कोई पत्थर या कोई बोल्डर यानी बड़ा पत्थर तो नहीं है, क्योंकि अगर उस पे जाकर ये लैंड करता तो ये गड़बड़ हो जाता, एक्सीडेंट जैसी चीज हो जाती जी। और इसी तरह से अगर ये क्रेटर में उतरा होता तो रोवर कभी भी शायद उस क्रेटर से बाहर नहीं आ जाता, आ पाता, अगर ये क्रेटर बड़ा होता। तो जो हम कह रहे हैं कि ये रोवर आधा किलोमीटर दूर तक जाकर वहां पर एनालिसिस करेगा वहां पे उपस्थित मिट्टी के, वो नहीं हो पाता। और दूसरी समस्या जो इनके सोलर पैनल्स हैं, अगर वो क्रेटर की दीवारों के कारण शेडोड हो जाते, अगर उन पे छाया पड़ने लगती तो वो ऊर्जा नहीं बनाते, और अगर ऊर्जा नहीं बनेगी तो न तो रोवर काम करेगा और न ही ये, तो फिर ये परेशानी हो जाती, न लैंडर काम करता न रोवर काम करता। यानी अगर अब कुल मिलाकर बात की जाए तो तमाम जो चुनौतियां हैं उनको पार कर लिया गया है, और अब सिर्फ जो है आगे क्या होना है, क्या उपलब्धियां हासिल होनी है, उन्हीं की तरफ अब हम नजर जो है वो घुमा सकते हैं जी। आने वाले 14 दिनों में जो रोवर है वो घूमेगा, बहुत धीमे घूमेगा, इसकी वेलोसिटी बहुत कम है, मतलब कछुआ जितना चलता है शायद ये उससे भी धीरे चले, और बहुत दूर तक नहीं जाएगा, जैसे मैंने कहा आधा किलोमीटर की दूरी तक जाएगा। और एक बार जब चंद्रमा का दिन समाप्त हो जाएगा, यानी डे टाइम जो हम जानते हैं कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, यानी 14 दिन में जैसे आपने बताया कि इसकी जो गति है वो बहुत धीमी है, आधा किलोमीटर दूर तक ही ये जो रोवर है वो जाएगा, और आधा किलोमीटर के दायरे के अंदर जो चीजें हैं तमाम जो ये ऑब्जर्व करेगा उनकी जानकारी जो है वो पृथ्वी तक आएगी, लैंडर को देगा, लैंडर से वो डीप स्पेस नेटवर्क जो भारत का है उसमें जाएगी, और वहां से फिर वो हमारे
जो मिशन कंट्रोल है वहां तक पहुंचेगी। चलिए बिल्कुल, सभी को इंतजार रहेगा कि क्या कुछ जानकारियां जो हैं चांद से जमीन तक पहुंचने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। तो मिशन चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक जो है चांद पर पहुंच चुका है और लैंडिंग जो है सॉफ्ट लैंडिंग वो हो चुके हैं। चलिए एक बड़ी